तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे घर में खाना पकाने के लिए जो रसोई गैस यूज होता है, जिसमें एलपीजी गैस भरा होता है, तो उस सिलेंडर का रंग लाल कलर का ही क्यों होता है। हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो गैस सिलेंडर बनाती है, लेकिन उस सिलेंडर को लाल रंग से ही क्यों रंगती हैं। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। कोई भी चीज़ करने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, तो इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है, इसमें सबसे पहला कारण है कि लाल रंग। लाल रंग सभी को पता है खतरे का सूचक है, तो यहाँ पे एलपीजी गैस भी कम खतरे का सूचक नहीं है। तो यहाँ पे ये एलपीजी गैस बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ये आसानी से आग पकड़ लेती है और इसे दूर से भी देखा जा सकता है। इस वजह से एलपीजी गैस जो होती है उसके सिलेंडर को लाल रंग से रंगा जाता है। और दूसरा बड़ा कारण है कि गैस जो गैस सिलेंडर होता है उसकी कलर से पहचान की जा सकती है कि उसमें कौन सी गैस भरी गई है। जैसे यहाँ पे गैस सिलेंडर जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उसका रंग लाल कलर का होता है और बहुत सारी गैसें भरी जाती है सिलेंडर में, तो सबका कलर अलग अलग होता है। इसलिए सिलेंडर का कलर देखकर भी आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सी गैस भरी हुई है। जैसे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को सफ़ेद कलर से रंगा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर को ग्रे कलर से रंगा जाता है, और नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर को काले रंग से रंगा जाता है, और हीलियम गैस के सिलेंडर को भूरे रंग से रंगा जाता है, और नाइट्रेट ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं NO2, उस गैस के सिलेंडर को नीले रंगों से रंगा जाता है। तो आज के वीडियो में आप लोग जान गए होंगे कि हम लोग सिलेंडर के कलर से पहचान कर सकते हैं कि उसमें कौन सी गैसें भरी हुई होती हैं, और यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एलपीजी गैस का सिलेंडर लाल रंग से क्यों रंगा जाता है। अगर इस तरह की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।